आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तन्वी, तो कल शाम हमारे घर आ सकता है? क्यों ताऊजी, कोई जरूरी काम है? हाँ पुत्र, काम तो बहुत जरूरी है। दरअसल गुंजन के ब्याह के बारे में गल करनी है। आएगा ना पुत्र? जी ताऊजी। ताऊजी लेकिन एक बार अगर आप गुंजन से भी पूछ लेते, मतलब उसकी हाँ के बिना कैसे? उसकी मर्जी तो हम कब से जान चुके हैं, मालूम है? बड़ी खुश है वो। हाय, मर जानिए, ऐसे तुझे कोई पसंद ना करे, एनआरआई मुंडा भी ना लट्टू हो जाना है तुझ पर। लगता है वीर जी आ गए। वीर जी छेतिया, वीर जी आ गए। हाँ आई। आ गया बोले, रफ करे कोई चंगी खबर ही लाया हो। लड़के वालों को गुंजन की तस्वीर पसंद आई ना, मतलब वो रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है ना? आओ ना, गुंजन की फोटू पसंद आ गई है और जल्द से जल्द रिश्ता पक्का करने वास्ते कराना चाहते हैं वो। तो बात तेरा लख लख शुक्र है गुंजन, अब ना सारी बात तुझ पे टिकी है। तो कुछ ऐसा करना कि वो एनआरआई ना तुझ पे लट्टू हो जाए। हाँ बीजी, मैं ना अभी से सारी तैयारियां करना शुरू कर देती हूँ। फिर जी लाओ पैसे, अब की बार कोई कंजूसी नहीं करना। मैंने बहुत सारी बढ़िया चीजें खरीदनी है, कंगन, कपड़े, लिपस्टिक, अरे बहुत लेना है। एक मिनट गुंजन, एक मिनट। एक काम और है, वो वीराज तो शहर से पढ़ के आई है ना, तो उसे तो शहर के तौर तरीके आते होंगे। तो तू ना एक बार जाके ना के साथ बैठ के सारे शहर के तौर तरीके सीख ले, शहर वाले कैसे बैठते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि मुंडा एनआरआई है, पूरी दुनिया देखी है उसने। अब तुझे इतना तो आना ही चाहिए ना। कल को वो ना कह दे कि कहां गांव की गवार मेरे पल्ले पड़ गई है। और कोई जरूरत नहीं है, की सिखाएगी वीरा इसको? कबूतरी कहीं की और धरती पे रहने का तरीका तो आता नहीं है उसको, शहर के तरीके खाक सिखाएगी। हाँ बीजी, मैंने ना किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप ही ने मैंने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दे रखी है कि मैंने सब आता है अभी। मैं जानती हूँ गुंजन, तुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, पर फिर भी गुंजन इतने मामला ना शहर का है और शहर की बात तो अलग ही होती है। और वैसे भी ये बहुत बड़ा मौका है तेरे लिए अपनी जिंदगी संवारने का, और मैं नहीं चाहती इसमें कोई भी गड़बड़ हो। वो तो बड़ी तेरी दोस्त बनी फिरती है ना, तो तेरी दोस्त तेरे इतने काम नहीं आ सकती उस एनआरआई को अपने काबू में करने के लिए? ठीक है बीजी, मैं अभी बाजार जाके सारे सामान खरीद लेती हूँ, फिर वहां जाके मैं वीरा से भी मिल लेती हूँ। ओहो बलदेव, मैं वीरा के आगे हाथ जोड़ने को थोड़ी ना कह रही, थोड़ी सी मदद ही करेगी ना वो अपनी दोस्त की। और वैसे भी इसमें ना हमारी गुंजन की भलाई है, और तू भी तो चाहता है ना कि ये रिश्ता पक्का हो, चाहता है ना? और हाँ, अब ना तो एक बात का ध्यान रखियो, कुछ दिन ना वीरा से कोई पंगा मत लेना, नहीं तो नखरे दिखाएगी वो और कुछ बताएगी भी नहीं गुंजन को। तो तू ना कुछ दिन दूर ही रहियो वीरा से, और गुंजन तू एक बात का खास ध्यान रखेगी, वीरा या पूरे पिंड में किसी को भी ना इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए,
नहीं तो मेरे धमाके को नजर लग जानी है। आप चिंता ना करो बीजी, मैं इस बार ना कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। बीजी समझ ही नहीं आ रहा, कौन सी वाली लूं? सारी के सारे तो इतनी प्यारी से लग रही है ना। हाँ वो हरी वाली दिखाना। नहीं वो नीली वाली बड़ी प्यारी है, वो दिखाना। तो पर ओहो की करा। अरे गुंजल ये वाली, ये वाली डिजाइन तो तुझे बहुत अच्छी लगती थी ना, तुझे ही वाली ले ले। खरबूजी लगूंगी ये पहनकर। मैंने ना कुछ नया और बढ़िया सा चाहिए, जिसे पहनकर ना बस कमाल लगूं मैं। ओए रणवी, अच्छा मैंने तेरी मदद की बहुत जरूरत है। दुकान में अपनी नजर घुमा और मेरे वास्ते चंगी सी चूड़ियां चुन ले। और हाँ कुछ हटके ही चुनना। हाँ रणवी, मैं बताऊंगा। रणवी तू ही है ना, तेनू ही बुलाया ना मैंने। अगर किसी खास मौके पे पहनी है। और नहीं तो की वो ना मैं तेनू ना बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो अच्छी वाली चूड़ियां देख ले मेरे वास्ते, और ऐसी चूड़ियां चुनना एकदम बढ़िया सी लगे और मुझे ना एकदम अच्छा सा रूप दे दे, ऐसा कि पिंड वाली होकर भी ना पिंड वाली ना लगूं। वो कैसी रहेगी ये वाली? हाय रणवी कमाल, मानना पड़ेगा तेरी पसंद नु, एकदम बढ़िया है। हेलो ए पांडो, आज तेरी पसंद की चूड़िया बन रही है, बहुत जल्द ना तन्नू भी पसंद कर लेगी। ऐसा कुछ कितने हुए? 150 रुपये। हेलो, अरे छुट्टे पीछे ना, मेरे पास छुट्टे नहीं। छुट्टे नहीं है? जल्दी लौटा दूंगी तेरे पैसे। कोई जरूरत नहीं, मेरी तरफ से तोहफा समझ। हाय चल अब मैंने जाना है, बहुत सारे दूसरे सामान खरीदने। यार गुंजन के सामने तेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है? वो एक काम कर, गुंजन का हाथ ना उसके पापा जी से मांग ले। बहुत जल्दी है, अच्छा तूने उनका जिक्र किया। चल ना, उन्होंने पंचायत को बुलाया। चल यार गुंजन के मामले में ना तेरा कुछ नहीं होने वाला, कोई चमत्कारी इसका बेड़ा पार लगाएगा। अभी से मैंने छोटा सरपंच नहीं पूरा सरपंच कहने की आदत डाल लो, और जब तक सुरजीत प्राजी है ना मैंने कोई चू भी नहीं सकता, और उनके मदद के नाल हुंकार मार के चुनाव जीत लांगा मैं, और तू देख लेना और तू भी समझा। इन
कबूतरी के साथ पंगा नहीं ले सकता मैं। जन्नू वीरा के मदद की जरूरत है आज। यार बलदेव, और इसने तेरे पे इंक फेंक दी, सबक नहीं सिखाएगा इसको। ओए, वापिस से फेंका इसने इसकी ये मजाल। भाजी इसको सबक सिखाना पड़ेगा। डर लग रहा है मुझसे, और मैं दिखाई नहीं दे रही तेनु, क्या मेरी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही तेरी? आज उस सुधकते हुए बंदर को क्यों होया? मैंने इतना सब कह दिया, कुछ बोला ही नहीं। बलदेव, ये कोई टाइम है तेरा आने का? पंचायत का समय आपसे एक घंटे पहले का था। अब से हम बैठ के तेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ओ मैम, कुछ काम में लग गया था मैं। वो तो बिखेर है। एक छोटा सा काम किया सी मैंने। इस सारे किसानों को ये बता देना कि यहाँ आज पंचायत में आना है। तुझसे वो भी नहीं हुआ ना? तेरे को मालूम था कि आज किसानों का यहाँ आना कितना जरूरी है। उनके दस्तखत चाहिए थे वो दलील के कागज पे। उनके दस्तखत के बगैर बिजली चोरी के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट आते आओ, मैंने आपसे गल करनी है। गल तुम बेइज्जती करा रहे हो मेरी सबके सामने। तुम्हें पता है कि मैं सुरजीत ताई जी के खिलाफ नहीं जा सकता किसी भी मामले में। मैं तो इसलिए तुमने किसानों को खबर ही नहीं की। बलदेव, आज तू सुरजीत सिंह के वास्ते अपने पिंड वालों के खिलाफ जा रहा है। फिर मेरी एक गल याद रखी, ना तो कभी मैं अपने पिंड वालों के खिलाफ कुछ करूंगा, ना ही होने दूंगा। ताऊ जी, आ जाओ। बताए ताऊ जी, ले लीजिए दलील के कागज। मैंने सारे किसानों के दस्तखत ले लिए हैं इस पे, और सबनों पंचायत में आने के लिए भी बोल दिया। बस आते होंगे। शाबाश पुत्र, तेरे रहते तो इस पिंड वालों को कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। कोई कम नहीं रुकना हमारा। देखा जी, इसे कहते हैं पिंड के लिए प्यार। इस पिंड का असली पुत्र तो तू ही है, जो पिंड के वास्ते अपने फर्ज को निभाना जानता है। शाबाश पुत्र। सत श्री अकाल जी। अच्छा हुआ रणवीर जी ने सही वक्त पे हम सबसे दस्तखत ले लिए कागज पे। अब आगे की कार्रवाई शुरू हो जानी है। रब करे सुरजीत सिंह सही लाइन पे आ जाए। रणवीर वेख के तो मैनू संपूर्ण सिंह जी की याद आती है जी। इस पिंड को यदि अगर कोई सही दिशा में ले जा सकता है तो वो रणवीर है।
उसे पिंड का अगला सरपंच बन जाना चाहिए। चीताओ जी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र, बहुत चंगा काम किया है तू आज। वैसे ये काम तो मेरा था, लेकिन अगर टाइम से नहीं होता तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती सबके सामने। चीताओ जी, इसमें शुक्रिया किस बात का? अब एक पेड़ वाला होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना। हो गया था जी, कोई कोई गल करनी है? देख पुत्र, तू और गुंजन बचपन से एक दूजे के दोस्त रहे हो, एक दूजे के साथ ही पले बड़े हो। मेरा ख्याल है कि तुझसे ज्यादा पूरे पिंड में गुंजन को और कोई नहीं समझता है ना। अब खेलने कूदने की उम्र तो निकल गई है, गुंजन ब्याह के लायक हो गई है। तो एक प्यों होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उसके लिए एक चंगा सा घर ढूंढ के एक अच्छे से लड़के के साथ उसका ब्याह करूं। तन्वी, तू कल शाम हमारे घर आ सकता है? क्यों ताऊ जी, कोई कोई जरूरी काम है? हाँ पुत्र, काम तो बहुत जरूरी है। दरअसल गुंजन के ब्याह के बारे में गल करनी है। तू आएगा ना पुत्र? जी जी ताऊ जी। ताऊ जी लेकिन एक बार अगर आप कंचन से ही पूछ लेते, मतलब उसकी हाँ के बिना कैसे? तो उसकी मर्जी तो हम कब से जान चुके हैं, मालूम है? बड़ी खुश है वो। तो मैं तेरी कल की गल पक्की समझू आने की? जी सिर्फ सिर्फ मतलब है कि इस बात में सिर्फ मेरे यहाँ कहने से की होगा वो। आप एक बार जी और चाय जी से पहले और उनकी फिक्र ना कर, तेरी बीजी से मैं गल कर लूंगा, बस तू कल ठीक 5 बजे आ जाइए, ठीक है? चंगा जी, अच्छे काम है। आज तो गुंजन के पापा जी ने तुझे सामने सुनाता दे दिया। तू कहता था ना गुंजन कभी तेरी नहीं हो सकती, अब बोल, अब तो पापा जी खुद तुझे दामाद मानने लगे। अरे तन्वी रे, अभी उन्होंने सिर्फ घर बुलाया, कोई कोई बात पक्की थोड़ी हो गई है। और तू ना अपने दिमाग के घोड़े चलाना बंद कर। हद हो गई रानी, तू अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं? बलराम दास जी के कहने के बाद भी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।